और हमको पापा जो है वो शराब पीते हैं और ताली पीते हैं, उसमें हमारा सारा पैसा खत्म हो जाता और सरकारी है वहाँ पर पढ़ाई नहीं होती है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार में जनसंवाद यात्रा में लगातार घूम रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज हरनौत के कल्याण बिघा में पहुंचे थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पत्नी मंजू सिन्हा का आज पुण्यतिथि है और इसको लेकर मुख्यमंत्री एक कार्यक्रम में पहुंचे थे। वहां एक अजब सा वाकया देखने को मिला। मुख्यमंत्री के सामने एक बच्चे ने अपने पिता पर ही आरोप लगाए और कहा कि हमें शिक्षा की जरूरत है और पिता दारू पीते हैं, सारा पैसा खर्च हो जाता है और इसलिए पढ़ नहीं पाते हैं। सरकारी स्कूल को लेकर भी उन्होंने मुख्यमंत्री के सामने ही पोल खोल दिया और कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से हमने मांग की है और उनका मानना है, वहां के लोगों का मानना है कि ये बच्चा लंबे समय से इस तरह की बातें किया करता है और खास तौर पे जब उसने अपने पिता के बारे में कहा। शराबबंदी वाले बिहार में शराब पीने को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से ही शिकायत कर डाली। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से शिकायत के दरमियान उसने शिक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े किए और कहा कि सरकारी स्कूल में मास्टर नहीं पढ़ाता है और बिहार में शिक्षा व्यवस्था खत्म हो गई है। तस्वीरें वहां से निकलकर सामने आ रही हैं। आप देखिए बच्चे ने मुख्यमंत्री से क्या बातें की हैं और किस मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री से बातचीत हुई है, खुद बता रहा है। वीडियो ही बन रहा है, थोड़ा सा जगह नहीं। हम अभी कल्याण बिघा माननीय मुख्यमंत्री जी के ग्राम पहुंचे हैं और ये अभी लगता है मध्य विद्यालय है जो कि सभी स्कूल में रहता है और हमको ये मांग है सर कि हमको शिक्षा चाहिए और सरकारी स्कूल में सर शिक्षा नहीं होती है, हम जानते हैं, इसीलिए हम और हमको पापा जो हैं वो शराब पीते हैं और ताली पीते हैं, उसमें हमारा सारा पैसा खत्म हो जाता है और जो हम पढ़ा करके लाते हैं वो भी पैसा वो ले लेते हैं सर। यस सर। कहाँ पढ़ाते हो? ऐसे ही पासवान नगर चौहरमल बाबा के नीचे। सीएम साहब बोले कि एगो आदमी वो शुरू बार आए और बोले कि क्या परेशानी है वो हम बताएं कि हमको ये शिक्षा की परेशानी है, शराब उराब जो है पापा पी लेते हैं, तो उसके बाद हम जो है ये कहें तो एगो आदमी थे उनसे हमको बोले कि वो बोले कि हम आपका एडमिशन करवा देंगे, वो माननीय मुख्यमंत्री जी उनको बोले तो वो बोले। अब देखिए कब क्या। यस सर। क्या आप सर? क्या सर? क्या बोले कि एडमिशन करवा देंगे? हाँ एडमिशन बोले कि करवा देंगे। इसके पहले हुआ था एडमिशन बोलने पर? इसके पहले नहीं हुआ था सर, हरनौत में आए थे तो मैंने ऐसे ही 2 मिनट रुके और चल गए फिर माला डाल करके, तो उस समय तो हम चल ही गए तो कोई दिक्कत नहीं हुआ, उस समय हम निराशा लेकर के घर आ गए। फिर हम हमको कहना ये है सर कि जो सरकारी स्कूल है वहाँ पर पढ़ाई नहीं होती है, सर को ही नहीं आता है सर, हम जानते हैं सर, दीपक कुमार और सबके सर पर मरम तो नहीं बोल सकते लेकिन एक दीपक कुमार सर हैं जो कि जिनको कि इंग्लिश पढ़ने में भी अभी गड़बड़ाहट होती है सर। तुम कितने से कितने की क्लास लेते हो? हाँ मैं अभी ऐसे ही NC से लेकर के 5 तक के ले सकते हैं। आंगनवाड़ी से लेकर। क्या नाम है तुम्हारा जी? सोनू कुमार। तुम कितने क्लास? अगर वीडियो पसंद आई अरुआ बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।